कोलकाता से हमारे साथ सुभाष्री, स्वागत है आपका। हेलो मैम नमस्ते। जी, मुझे थायराइड के बारे में कुछ पूछना है। लेते पूछिए। बताइए बताइए। मैं देखी थी धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आमला 100 ग्राम, फिर और के क्या कह रहे हैं और आगे? नमस्ते। गौन मौर्य। फिर से थोड़ा आप बोलिए तो। आप जो बोले थे मैं देखी थी, तीन तो चीज लिख ली हूँ, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, सॉरी और क्या सॉरी। चाहिए? जी। अच्छा, धनिया 300 ग्राम लेना है। लिखिए धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है गौन मोरिंगा। गौन यानी गम, गौन मोरिंगा, ये सफ़ेद वाला लेना। गौन मोरिंगा सफ़ेद, तो ये रॉ मटेरियल लेने हैं और घर पर पाउडर बनाना है। फिर एक एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, तकरीबन 3 ग्राम, ये छोटा चाय का चम्मच होता है ना, ये आप लिया करें। और वो गोली भी लें थायराइड की जो आप खाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की गोली हर महीने कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर। जब आप अपनी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, और धीरे धीरे आपकी थायराइड की गोली ख़त्म हो जाएगी, और आपके डॉक्टर के मशवरे से फिर आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और ये नुस्खे से आपको, इस नुस्खे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं गुजरात से, फातिमा बानो हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए, सवाल करिए, बोलिए। कांकड़े होते हैं ना, कांकड़े गले में होते हैं ना, कोकड़े, टॉन्सिल टॉन्सिल की शिकायत है। जी अच्छा, जी किसको है, कितनी उम्र के मरीज हैं? नहीं, मेरी सिस्टर को है। उनकी एज होगी ना, उनकी एज बताइए तकरीबन अंदाजन। उनकी उम्र क्या है? 19 साल। ठीक है। अच्छा, देखिए घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ और बाकायदा इलाज भी बताता हूँ। घरेलू नुस्खा ये है कि आप लिसोड़ा, उन्नाव, लिसोड़ा, उन्नाव और अलसी को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। गरम मसालों में 1-1.5 इंच की जो लंबी सी खूबसूरत सी काली सी पीपल होती है, वो 30 ग्राम मिलाएं, पाउडर बनाएं, और आप एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, और 5 बार गर्म पानी पिएं। अपनी सिस्टर से कहें 5 बार गर्म पानी खूब पिएं, और वैसे इसके लिए बाकायदा इलाज भी कर सकते हैं। माजून आर केयर सुबह शाम लेने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इनका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से, पूजा हमारे साथ, स्वागत है पूजा जी। नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे हकीम सर से बात कर लीजिए मैम। जी पूजा जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। सर वो मुझे ना खेत से कील मुहासे बहुत हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर से भी दवाई ली, लेकिन तब मैं दवा लेती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है पिंपल, और उसके बाद मेरे फेस पूरे पे खुजली चलती है, और नेक पे, गर्दन पे भी चलती है, कभी कानों में चलती है, और एक बाल बहुत झड़ते हैं मेरे। ठीक, तो देखिए इन सब का एक इलाज बड़ा अच्छा है अगर आप कर लें। और देखिए, एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, ये आधा ग्राम, ये रॉ मटेरियल ले लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, यह आपकी सारी समस्या का निदान मुमकिन है।
बिल्कुल। तो पूजा जी, आपकी जो परेशानी है वो बहुत छोटी सी है, सिर्फ आपको ये नुस्खे अपनाने हैं और फिर देखिएगा कितना खूबसूरत चेहरा आपका हो जाता है, पिंपल्स आपको नहीं होंगे और जो भी आपको स्किन रिलेटेड कोई और दिक्कत परेशानी है वो भी आपकी ठीक हो सकती है। तो नुस्खे अपना लीजिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी नुस्खे जान सकते हैं, सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। टीवी पे देखो। हेलो साधना। हेलो, सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और सवाल करिए। दरवाजा बंद कर दो। हाँ जी, सवाल आपका 1063। हेलो, सवाल आपका। हाँ, मेरा सवाल है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं एक गोली जीमा टू ले रही हूँ और होम्योपैथी दवाई ले रही हूँ, उससे मेरी शुगर तो करीब करीब कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मेरे को चाहे जब रात को ज्यादातर नींद की परेशानी रहती है और पेट में गैस बहुत बनती है। मेरा सवाल ये है कि मेरे को नींद नहीं आती। ठीक है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं एक गोली अंग्रेजी ले रही हूँ और होम्योपैथी की भी ले रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी एज का पता चल जाए तो मैं आपको आसान नुस्खा बता देता हूँ। एज आपकी 61 साल है, मेरे को 0.5 mg की सिर्फ नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। ठीक है, ये बड़ा गलत है कि आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो मैं एक ऐसा ही आपको नुस्खा बताता हूँ जो आपके तमाम रोग पर काम करे और डायबिटीज़ पर भी काम करे और नींद पर भी काम करे और आपकी नींद की गोली भी पहले दिन से छूट जाए। एक सिरका आता है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के रोज़ाना रात के समय पिया करें। 1 गिलास पानी में डाल के छोटे चाय के चम्मच, आप देखेंगे कि पहले दिन से आपको सुकून मिल गया, बिल्कुल दिमागी सुकून और गैस वगैरह से भी बहुत राहत होगी और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल ये करता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आपको जो डायबिटीज़ की दवाएं के नुकसानात होते हैं वो भी नहीं होने देता। आप इसे इस्तेमाल किया करें और पूरा जीवन आप सेहत के साथ गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है महाराष्ट्र से, भगवान हमारे साथ, स्वागत है भगवान जी आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, ये डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं जी, महाराष्ट्र के भगवान साहब, आप बताइए क्या सवाल है। सर, मेरे जो एक कान की तरफ से है ना, एक कान में आवाज आती रहती है, ऐसा रात दिन आवाज आती 24 घंटे। ठीक है, डॉक्टर जी, हमारे बॉडी के नसा कमजोर है। जी जी, ठीक है। तो देखिए, कान की आवाज़ के लिए आपको रोज़ाना 6 मिनट निकालने होंगे और वो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको वो करनी होगी, तो 15 दिन में जाकर फ़ायदा होगा आपको। ऐसा मत सोचना एक दिन में हो जाए, और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, ये कान इससे मिलाइए, कंधे से, जैसे मैं मिला रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये मोंडा उठा दिया और कान मिला लिया, मोंडा बिल्कुल नहीं उठाना। ये आपको रोज़ाना 3 मिनट करना है, खूब जोर से मिला दे बिल्कुल, ठीक है। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करना है। 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, एक एक मिनट करके 3 बार में करें और शायद दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े। और आप यकीन करें कि 15 दिन करना है, और 15 दिन में आपकी आवाज़ कहाँ गई, कान में जो शाएँ शाएँ चलती है वो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे, ऐसा मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। और नसों की कमज़ोरी के लिए गौन आता है, एक स्याह गौन, इसे काला गौन भी कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात लिया करें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, तो आपको नसों का भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है हरिद्वार से, नेहा हमारे साथ, स्वागत है नेहा आपका। जी धन्यवाद मैम। हाँ जी बोलिए।
मैम मेरी बेटी है 8 साल की और उसके चेहरे पर बहुत बारीक बारीक से पूरे चेहरे पर तिल हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे उनके बारे में जानना था मैम। जी जी हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, उसको अगर वो खजूर खा सकती है तो जी। एक अच्छी किस्म की खजूर सुबह और एक अच्छी किस्म खजूर शाम को दिया करें, और थोड़ा सब्र करें क्योंकि महीने दो महीने में रिजल्ट आता है, बस ये काफ़ी है उस बच्ची के लिए। जी, दिल्ली से हमारे साथ मीरा, स्वागत है मीरा जी। हाँ जी, नमस्ते हकीम साहब जी। जी जी, आदाब मीरा जी। हाँ जी जी, मुझे मेरी उम्र 45 है। हाँ जी, और मुझे जैसे कोहनी की हड्डियों में दर्द रहता है और अंडर आर्म के नीचे जैसे कभी कभी ना जैसे काला हो जाता है, फंगस टाइप, उसमें खुजली भी होती है, लेकिन दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाता है जी। और 3-4 महीने बाद फिर हो जाता है, और मेरे डैंड्रफ भी है और बाल भी बहुत झड़ते हैं। थायराइड का टेस्ट कराया कभी आपने? नहीं डॉक्टर साहब, थायराइड तो टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा बच्चा, जिस उम्र में आप हैं, यहाँ पर अक्सर फीमेल्स को थायराइड हो जाता है, करा ले तो बहुत अच्छा है, और थायराइड होगा तो फिर थायराइड का ही इलाज करें, और ये सब अपना आप ठीक होना तय है अगर थायराइड है तो, और थायराइड नहीं है तो फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए, 45 साल के बाद हर शख्स को, जो भी यानी 45 साल का है, चाहे वो औरत हो या मर्द, उसके जिस्म में कुछ केमिकल बनने समझ लीजिए कम हो जाते हैं, तो हर शख्स को मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम लेना चाहिए, ये आप लेना शुरू करें, और एक हफ्ते में बस एक ही लेना। अक्सर डॉक्टर रोज़ाना दो दो दे देते हैं, तो उससे फिर एक और परेशानी ये हो जाती है कि पथरी हो जाती है, तो एक हफ्ते में एक आप लें ज़िंदगी भर, जो भी 45 साल के ज़्यादा कहें। कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, जिंक और ये सब उसमें होता है, तांबा, जिंक वगैरह, एक ही टेबलेट में सस्ती आती है, एक हफ्ते में बस एक खानी है, तो ये लेना शुरू करें सबसे पहले, अगर इससे नहीं हो तो। और थायराइड भी टेस्ट कराना ज़रूरी है, जो आप सिम्टम बता रहे हैं वो उससे मिलते जुलते हैं। मैं दुआ करूँगा कि ना हो, और अगर हो तो फिर आप, वो एक बड़ा कामयाब नुस्खा है जिसने लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, और वो ये है कि 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, इसको पाउडर बना के एक टाइम या दो टाइम गर्म पानी के साथ अगर लिया जाए तो थायराइड वालों का ठीक होना मुमकिन है, और ये बगैर थायराइड के भी लिया जा सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर है सहारनपुर से विकास कुमार हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी मैम, बोलिए, सवाल करिए। मैम मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब ही 1 महीना पहले बुखार हुआ था, प्रेशर कम हो गई थी। हेलो। हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बताइए। मैम मेरी अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। हेलो। ठीक है, जी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी मेरी कुछ दिन पहले। मैम तबीयत खराब हुई थी। जी जी जी, बोलते रहिए। तो मैम उसमें अब भी मुझे दवाइयां खा भी ठीक हो गया था, फिर ऐसा ही हो रहा था क्या? क्या हुआ था, क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? प्लेटलेट कम हो गई सर थोड़ी सी। प्रेशर, प्लेटलेट कम हो जाते हैं सर बुखार में। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अच्छा सर, मुझे 2-3 दिन से भूख भी बहुत कम लग रही है, सर रोजाना सिर में दर्द हो जाता है शाम के टाइम। हाँ तो देखिए, एक बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है, शायद मुफ्त का ही नुस्खा है ये, और जब भी ये बुखार चलते हैं जिसमें हमारे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा, तो जिसको भी ऐसा हो वो फौरन जाकर पपीते का पत्ता खा ले, 3-4 इंच का पत्ता सुबह को, 3-4 इंच का शाम को, ये ज़रा सा कड़वा होता है, लेकिन मैंने देखा अपने
अनुभव में कि इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, किसी पैथी में नहीं है। पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, और बल्कि इस मौसम में पपीते का पेड़ अपने घर में लगाया करें ताकि आपके भी काम आए और किसी और के भी। ये पत्ता जो फेंक देते हैं ये बहुत कीमती है, इसे आप खा लिया करें, और उसी वक्त और उसी दिन आपकी प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है। आप हैरत करेंगे, आपके डॉक्टर भी हैरत करेंगे कि इतने तेज दवा और एक मामूली सा बेकार सा पपीते का पत्ता इतना काम कर सकता है। जी।